नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है वर्ग के बारे में। वर्ग का क्वेश्चन है वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमको एक वर्ग बना लेते हैं, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब इस वर्ग के विकर्ण पर, तो इसका ये विकर्ण होगा, इस विकर्ण को लेकर एक फिर से वर्ग बनाना है। तो जैसे ये वर्ग जो है इसके विकर्ण पर इस तरीके से विकर्ण के समान भुजाएं लेते हुए एक विकर्ण और बनाना है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर वर्ग की भुजा को अगर हम a मानते हैं तो जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है इस वर्ग का, ये जो विकर्ण है ये तो बड़ा ही होगा, विकर्ण बड़ा होगा इससे। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, अगर ये भुजा a है, ये भुजा भी यहाँ से यहाँ तक ये a है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगेगी तो याद रखना, अगर हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो वर्ग जो है, वर्ग का विकर्ण पाइथागोरस से निकल कर आएगा। अगर हमने भुजा ए मानी है तो वर्ग का जो विकर्ण है वो जो भुजा है उसका कर्णी दोगुना होता है, ए अंडर रूट टू, ये विकर्ण होता है। अब ये जो वर्ग का विकर्ण है, मतलब ये जो अगर निकल के आया है ये वर्ग का विकर्ण, यही वर्ग का विकर्ण जो है, ये वर्ग का विकर्ण ये इससे, ये इससे बना हुआ है, ये वाला वर्ग हमारा। अब ये जो वर्ग का विकर्ण है और यही इस वर्ग की क्या है, भुजा है। अगर ये वर्ग का विकर्ण है तो ये बड़े वाले वर्ग की ये जो है ये भुजा है। अब वर्ग का विकर्ण मतलब जिस वर्ग का विकर्ण हमने निकाला, विकर्ण को अगर भुजा माने तो फिर क्षेत्रफल जो है वो होता है भुजा का वर्ग, मतलब ए कर्णी दो इन दोनों का गुणा कर देंगे। अगर इसका गुणा किया ए का ए में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, करणी दो का करणी दो में करेंगे तो ये आएगा दो। ये किस वर्ग का क्षेत्रफल आया, ये इस वाले वर्ग का जो विकर्ण से बना गया है उसका। अब अगर हम इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो ये जो वर्ग है इसकी भुजा को हमने ए माना था, तो अगर हम निकालें इसका क्षेत्रफल, ये छोटा वाला वर्ग, तो अगर भुजा a मानी है तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा a का वर्ग। मतलब ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आया a का वर्ग, और उसके विकर्ण पर जो बना वर्ग है उसका क्षेत्रफल आया a का वर्ग और दो गुणा में। अगर इनका हमको अनुपात निकालना है, अनुपात अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल मतलब a का वर्ग, और विकर्ण पर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल मतलब a का वर्ग और दो, इन दोनों को काट देंगे तो ये अनुपात जो आएगा ये हो जाएगा 1:2। वैसे भी याद रखना, जो वर्ग विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल जो भुजा वाला जो वर्ग है इससे बड़ा ही होगा, तो आंसर हो जाएगा 1:2। इस तरीके के आगे प्रश्न हम देखते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।